ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हेलो, योगेश्वर बोल रहा हूँ। हरिओम सर। हरिओम, कैसे हैं? से स्वास्थ्य आपका? कौन मंत्री? शानदार। क्या है, कैसे? बस आ गए आपके शहर में। अच्छा, बढ़िया है। रात आ गया था, आज फॉर्म भरवाया है। अच्छा, जिनको आप साथ में, जिनको आप साथ में नहीं थे क्या? था ना साथ में, तो आप बाजार में नहीं थे? बाजार में था, मैं पीछे पीछे चल रहा। अच्छा अच्छा, मैं आगे नहीं था, मार्केट में देखा नहीं था आपको। मैं पीछे लास्ट। अच्छा, गार्ड की भूमिका में। क्या आदेश? अपनी कार्यशैली अलग ही है। हाँ, नहीं नहीं, बढ़िया है ना, कैमरे से दूर नहीं, आप अपना काम करते जाओ। बहुत बहुत बढ़िया जी। आदेश क्या लग रहा है? कंपटीशन है। किससे? पितलिया जी से। अच्छा, अपना कंपटीशन पितलिया जी से। हाँ। कांग्रेस कौन से नंबर पे? अब ये तो टाइम पे क्या है, 15 दिन में कैसे क्या वोट करवट बैठे। बाकी आज भी, आज आज की रिपोर्ट क्या लग रही? आज की तारीख में चार सा बहुत पीछे। अच्छा, फर्स्ट नंबर पितलिया। हाँ, लगभग। सेकंड कांग्रेस। यस। अच्छा, अब क्या इलाज है इसका? इलाज तो क्या है, अब सुबह में लादूलाल जी तेली भाई साहब से भी मिला था, अध्यक्ष साहब से। मैंने कहा साहब अब क्या हो सकता है इसमें, कोई चेंज वगैरह? क्योंकि चेंज, अब चेंज नहीं हो सकता। चेंज नहीं हो सकता, अब तो तारीख भी गई, तारीख भी गई। वो तो हाँ, वो मतलब ही नहीं है। अब उन्होंने कहा साहब क्या होना चाहिए इसमें, ये है आगे, ये जो ये हो सकता है, लादूलाल जी विड्रॉ कर ले और उनको वो चाहे तो प्रदेश के संगठन में, हम सतीश जी ने कहा मैं एडजस्ट कर लूंगा, उनके आमने सामने कहा उन्होंने। उस वो नहीं चाहते तो अरुण सिंह जी अपने राष्ट्रीय महामंत्री हैं, जो राजस्थान के प्रभारी हैं। उन्होंने कहा है कि मैं तुमको भारत सरकार के किसी कमेटी में, सम्मानजनक पोस्ट पे आपको सरकारी कमेटी में डलवा दूंगा। इस तरह की सारी बातें इनके हो चुकी है। तो फिर क्या कहा इन्होंने? तो वो तो सहमत हो जाता है, बाद में जो आप जैसे सहयोगी लोग है ना, वो उसको वापस घुमा देते हैं। नहीं नहीं, सलाह कर लो, बात नहीं, तो कोई बात नहीं। मैंने सुबह भी बहुत कोशिश की थी, आप संजय जी से पूछ लीजिए या बागड़ी साहब से पूछ लीजिए। आपने इसलिए फोन स्पेशली किया है कि उसमें उनको घुमाने वाले लोगों में बीजेपी, बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के भी नाम आ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं मेरी पर्सनल बात बता रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं कह रहा मैं, आपके नहीं, आपका नाम नहीं है। पर्सनली सुबह आप बागड़ी साहब से भी पूछिए कितनी मेहनत की थी सुबह, कम से कम भी 1-1.5 घंटे तक हम साथ में थे सुबह। बागड़ी साहब भी थे, संजय जी भी थे और मैं भी था, उनको बहुत समझाया था। उन्होंने कहा बस एक तरफ भरता रहता हूँ भाई साहब, फिर 2-3 दिन सोचेंगे, 3 तारीख है तो फिर सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अभी मेरे कार्यकर्ता आए हुए है और कार्यकर्ता नाराज नहीं हो जाए फिर वापस मेरे को भी फील्ड में रहना है। इसे फार्म तो मैं आपको घर पे एक बात कह रहा हूँ, आम चुनाव में और उपचुनाव में बहुत फर्क होता है। नहीं, ये बात मैंने इनको 4 दिन पहले ही समझा दी। आम चुनाव में तो आपको कोई इतना मनाने मनवार करने कोई नहीं आता। सही सही सही, आप नहीं करते, आप सही फरमा रहे हैं, सब लोग बिजी होते हैं। इस समय तो सब फ्री बैठे हैं। हाँ, पूरी सरकार दिल्ली तक अमित शाह तक वॉच कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, अभी अच्छा एक्चुअल में रूरल पार्टी, और साहब एक मिनट सुन लो, अब इस समय यदि ये जिद करके पार्टी को नुकसान करने के लिए जिद पर आएगा, आप क्या समझते हैं इसको छोड़ देंगे हम? नहीं नहीं बाजी भाई, ये तो गलती है। इनको मैंने 4 दिन पहले जैसे ही डिक्लेयर पर काम करके रख देंगे हम, गंगापुर से लेकर बेंगलोर तक। डिक्लेयर हुआ तभी इनको मैंने कहा था साहब अभी रुक जाइए और 2.5 साल और वॉच कर लीजिए, उसके बाद तो हम मनवारे कर रहे हैं कि तेरे को ये दे देंगे वो दे देंगे। ठीक है ना? सही सही। और फिर जब ये सारा 3 तारीख निकल जाएगी तो फिर क्या क्या शुरू होगा इनको कल्पना नहीं।
आनी इच्छा नहीं है वो बात मैंने आपको बता रहा हूँ। मैंने चार दिन पहले प्यार से समझा दीजिए उनको, चार दिन पहले अच्छा भला आदमी है उसका नुकसान हो जाएगा। नहीं मैंने इनको समझाया चार दिन पहले, जैसे ही डिक्लेयर हुआ था तो इन्होंने कहा मैं लड़ूंगा चुनाव। मैंने कहा आप 2.5 साल और इंतजार कीजिए, वोट कीजिए और फिर सहमति से भी अगर मान लो आपको टिकट नहीं मिले 2.5 साल बाद भी, तो भी सहमति आपके साथ रहेगी क्योंकि आप फील्ड में हो, फील्ड में रहोगे। यार भाई साहब मैं इंतजार नहीं कर सकता, मेरी इच्छा पूरी है, मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, मेरे को विश्वास में लेके इन्होंने ऐसे किया। मैंने कहा ये बात आपकी है, मेरे उससे कोई मतलब नहीं कि आपने पार्टी ज्वाइन की नहीं की, आपने पार्टी ज्वाइन कर ली। हम राजस्थान के 40 MLA बुला के 45 MLA बुला के एक एक पंचायत में एक MLA बिठा देंगे। हाँ नहीं हो सकता है ना, आप भी और वो मेरा दम लगा के इनके सारे वोटर को काट लेंगे तो क्या कर लेंगे। अरे मेरी बात सुनिए, आप जैसे आप भी कह रहे हो और वो वही काम कांग्रेस वाली भी करेंगे क्योंकि वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, उनकी पूरी सरकार यहाँ लगेगी। हाँ वो भी लगेंगे, वो भी रगड़ेंगे। हाँ उनकी पूरी सरकार यहाँ लगी हुई है इस समय, तो ये मतलब समझ लो कि बहुत खतरनाक स्टेप ले रहे हैं। वो भी मारेंगे हम भी मारेंगे, दोनों तरफ से मार खाएंगे, जीतेंगे हारेंगे कौन पता नहीं, देखा जाएगा। ये पर, तो बात गर्व की बात है, आपकी ऐसी तैसी होनी तय है। हाँ ये बात की बात है, जीत हार तो बात की बात है। फिर हाँ जीत तो बात कोई बात नहीं, नहीं भी जीते तो कोई बहुत प्रलय होने वाली नहीं है यार। अरे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखिए सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हार रही है। एक तो ये इज्जत वाली को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सीट हार गई थी और हमको भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, हार गए। हाँ हाँ सही है, पर उनको भी उस दिन सबके टारगेट बन जाओ। नहीं सही बात है, उधर के भी इधर के बिल्कुल ठीक पकड़ा। मैं बता रहा हूँ रूरल पार्टी को ये समझाया था, आदमी है, भला आदमी है, मेरी सहानुभूति है उनके साथ और उनको सम्मानजनक स्थिति हम देंगे, निश्चित देंगे। इनको यही समझाया था साहब चार दिन पहले, जैसे ही डिक्लेयर हुआ नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा तो फोन पे भी कहा था, फिर इनसे मिला भी था तो इन्होंने कहा नहीं चुनाव लड़ना ही है भाई साहब, मेरे को मेरे कार्यकर्ता नहीं मान रहे, मेरे साथ धोखा हुआ, ये हुआ। जमर साहब मेरा टिकट 2 बार कटा है। हाँ हो जाता है साहब ऐसी कोई और बिल्कुल मैं डिजर्व करता था, एक बार तो मैं सिटिंग था तब कटा है, दूसरी बार मैं हार चुका था लेकिन पूरे 5 साल मैंने फील्ड में काम किया था और जनता और पब्लिक मेरे पक्ष में थी, उसके बाद भी कटा है। और मुझे भी घेर के बैठ गए थे लोग, आपको निर्दलीय लड़ना पड़ेगा। देखिए नहीं लड़ूंगा, अपना ढंग अलग ढंग का है, अपन नहीं लड़ा तो संगठन से जुड़े हैं, जनक स्थिति में खड़ा हूँ पार्टी में। हाँ तो मैं ही कराऊँ, अपना ऐसे संगठन से जुड़े हैं साहब जो सेवा के पास, वो यही पे मेरे उसके प्रति पूरी सहानुभूति, भला आदमी, बहुत भला आदमी, सेवाभावी आदमी है, पर उसका कोई नुकसान होते हो अच्छा नहीं लगता। ये बात मैंने भी बताई थी उनको, पर प्लीज थोड़ा समझा। सुबह भी आप सुबह भी बागड़ी साहब के सामने यही कहा था, कोठारी साहब कुछ कर सकते हो, वो कोठारी साहब अशोक जी कोठारी साहब, वो कुछ कर सकते हो तो देखो, और भी जो कर सकता हो देखो प्लीज। मैं बात करता हूँ कल वापिस, आज तो नहीं, आज तो वो उनके गाँव गए हुए और देखिए कल मैं बात, अच्छा है सम्मानजनक तरीके से कल मैं बात करता हूँ। ये चुनाव निपटते उनके किसी न किसी सरकारी कंपनी कमेटी में हम अच्छे सम्मानजनक पद पर घोषणा करवा देंगे, हाथ तो हाथ भारत सरकार में। ये भी बोल दूंगा मैं, ये बात तो सुबह बागी साहब भी बोल रहे थे। अच्छा एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये बात अरुण सिंह जी बोल कर गए इसको मुंह पे भाई। हाँ आज तो कुछ नहीं है उनके सामने ना, राष्ट्रीय महामंत्री हो। सुबह की घटना बताऊं साहब, बागड़ी साहब ने कहा ठीक है, मैंने उनसे कहा भी फॉर्म भरने दीजिए 3 दिन आप और समझाइए और मैं भी समझाऊंगा कोई बात नहीं। फिर वो फॉर्म भरने गए तब संजय जी ने और बागड़ी साहब ने कहा यार पुनिया जी से उनकी बात करवा दो हमें। तो मैं कम से कम आधा पौन घंटा SDM कार्यालय के बाहर वाले रोड पे मैं और सुरेश जी आधा घंटा खड़े रहे, वे आ जाए तो मैं बागड़ी साहब को और संजय जी रुहिया को स्पुर्द कर दूं या मैं भी साथ चलूं, अगर उनको विश्वास हो जाए तो मैं भी साथ चलूं। और पुनिया जी शायद नाथद्वारा थे उस वक्त, तो नाथद्वारा राजसमंद थे या नाथद्वारा, उन्होंने यही कहा था नाथद्वारा, तो वहां से आ रहे होंगे तो तो नाते द्वारा उनसे मुलाकात करवा देते हैं, राजसमंद हो तो राजसमंद। मैंने कहा मैं उनसे कोशिश करता हूँ, मैं आधा घंटा तक SDM कोर्ट के बाहर खड़ा रहा लेकिन वो आए नहीं। फिर मैं भी धूप में परेशान हो गया, वो संजय जी वहां से निकल गए थे, बागड़ी साहब और संजय जी दोनों निकल गए थे, उनके बाद मैं निकला हूँ। असल में इनको टिकट देने की मंशा थी हमारी। हाँ बताया था मेरे को, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि उधर राजसमंद में दीप्ति माझी को नहीं देना था लेकिन वो देना पड़ गया। हाँ वो इधर से इधर हो गया बस, कुछ परिस्थिति ऐसी होगी तो फिर दो जगह वैश्य तो नहीं दे सकते। हाँ नहीं सही बात है, ये तो क्या नीति से चलते हैं पार्टी को, एक आदमी के साथ
आरएलपी तो है नहीं कि जो मर्जी कर लो नहीं फिर बता रहा हूँ ना, पार्टी की नीतियों से चलती है पार्टी तो ऐसा। प्लीज कुछ करो, उस भले आदमी को समझाओ, तो उनका नुकसान हो जाएगा। मैं कल बात करके मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ शाम को, और मेरा कोई शब्द बुरा लगा हो तो सॉरी। अरे नहीं सर नहीं, मैं तो आपसे मिलने की ऐसे भी कोशिश कर रहा था, मैंने कहा यार आपका मेरे तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। नहीं नहीं अच्छा है ना, नहीं ना लाग लपेट के बात करने में मजा है जी। वैसा थैंक यू, ठीक साहब, ओके साहब, मैं बात करता हूँ कल। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।